देखो, असल नहीं करते प्यार तुमसे, वो तो खुद चाहता है कि तुम मर जाओ। क्यों नहीं मरती तुम? पहुंच जाती है। नहीं, वो उसका वहम है, वो कोई भूती नहीं है। ये कोई इंडिया की फिल्म थोड़ी चल रही है। आपको तो समझ बस आ रही होगी। अब किसकी बात कर रहे हैं? मशीन की। हम कहां के सच्चे थे। हम बात करने वाले एपिसोड 16 की। एपिसोड 16 की। हाँ, उसमें क्या था यार? वो लास्ट टाइम वो क्या दिखा रहे थे कि वो जाके माफी मांग गई? हाँ। कैसे माफी मांग गई? शुरू में तो कुछ और ही दिखाया था। वो बहुत बोल्ड थी, उसको अवार्ड मिलते थे, वो डिबेट में सारे उसके पास टैलेंट थे, लेकिन फिर शादी के बाद क्या हुआ? वो तो रोबोट बन गई। बिल्कुल ऐसे ही हो गया। कहते थे सेट हो, हाँ। करो, बैठ जाती थी, सोचो, सोती थी, रो। बिल्कुल सारा दिन रोती रहती है, उसके पास ऐसे कैसे कुछ करने। बिल्कुल ऐसे ही हो गया। माफी मांगो। अच्छा, अभी तक ये क्लियर भी नहीं हो जाता खुद खुशी रही है क्या हुआ है। अभी यहाँ कभी शब्दों पे शक दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी पे कभी लगता है खुदकुशी हो गई है, कभी लगता है कि असद की वजह से इसने मार लिया खुद को, कभी ऐसा लगता है कि महरीन के हसद में मर गई है वो। तो अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी ना अभी ये 16th एपिसोड थी, मुझे लगता है कि ना नेक्स्ट एपिसोड में ना मशाल ने कहीं से जिंदा होकर वापस आ जाना है, ऐसे मुझे लग रहा है। लो भाई, तुम दोनों में तुम ऐसा करो, बैट लगाओ इस बात पे, देखते हैं कि कौन ठीक है, शहीद ठीक कह रहा है या दनीन ठीक कह रही है। तो आप मेरे पे बताइए, आप किसके साथ हैं, दनीन के साथ या मेरे साथ? ठीक है चलो, अब हम अपनी ऑडियंस को भी देखते हैं कि वो कितनी इंटेलिजेंट है। एक और बात, हम आपको सारे पाकिस्तानी ड्रामों पे रोस्ट रिव्यूज दिखाएंगे। हाँ हाँ, हम खूब अच्छे ग्रिल करके रोस्ट करके उसका सिज़लिंग से आपको रिव्यूज देंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस ड्रामे का आप रिव्यू देखना चाहते हैं। हम आपको उसी ड्रामे को दिखाएंगे और हमारे बाकी सारे रिव्यूज भी देखें और लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।